हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के GS3 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली रिसेंटली UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो कि ईयर 2022 के लिए लागू किया गया एक ऑब्जर्वेशन है और उसको अब 2023-24 में पब्लिश किया गया है। HDI एक ऐसा टूल है जिसमें ग्लोबली हम लोग ये देखते हैं कि ओवरऑल जो ग्लोबल सोसाइटी है वो किस तरह से बाकी मटेरियल चीजों में तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन क्या ह्यूमन लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और अगर नहीं तो कौन से वो एरियाज है जहां पर फोकस करने से और रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की हमें सख्त जरूरत है, वो इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चलता है। HDI जिसको एक्चुअल में HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, वो 2023-24 में पब्लिश किया गया ईयर 2022 के लिए डेटा एंड ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करता है, जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक्स रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट 1990 से ही UNDP ने रिलीज करना स्टार्ट किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड का रैंक नंबर 1 पर आता है HDI में, और वही इंडिया का रैंक 134 आता है टोटल 193 कंट्रीज में। अगर टॉप रैंकिंग कंट्रीज देखें तो स्विट्जरलैंड जिसका स्कोर 0.967 आता है, उसके बाद है नॉर्वे एंड आइसलैंड जिनका स्कोर 0.966 और 0.959 है रिस्पेक्टिवली। और यहाँ जो स्कोर है वो 0 to 1 की रेंज में मेजर किया जाता है, जहाँ 0 इज द वर्स्ट एंड 1 बीइंग द बेस्ट ऐसा पैरामीटर होता है HDI स्कोर का। और वैसे इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की UPSC इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर UPSC रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल UPSC रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के UPSC एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बड़ी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक AI बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी UPSC की रैंक इंश्योर कर लीजिए। अगर हम HDI की लिस्ट में बॉटम 3 कंट्रीज देखें तो उनमें सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये कंट्रीज आती है, जहां आपको पता है कि मोस्टली कोई बहुत खास डेमोक्रेटिक माहौल नहीं है और हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एटमॉस्फियर यहां रहता है। आर्म्ड रिबेलियंस वगैरह इन कंट्रीज में काफी कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। सोमालियन पायरेट्स वगैरह आपने कई बार सुना होगा ना, जिनके अगेंस्ट इंडियन नेवी ऑपरेशंस चलाती है और हमारे मर्चेंट शिप्स पर वो अटैक करते हैं वगैरह, तो सोमालिया तो इसी चीज के लिए काफी इनफेमस है। और अगर हम सिर्फ अब इंडिया की बात करें तो UN ने इंडिया की यहां पर तारीफ की है और ओवरऑल लगभग सभी पैरामीटर्स में इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है इंडिया, ऐसा हमें HDI स्कोर का जो कंपैरिजन है उसके थ्रू पता चलता है। HDI स्कोर ये 2021 में जो 0.633 था उससे इंप्रूव करके अब वो 2022 में 0.644 हो गया है। HDI के सारे इंडिकेटर्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा भी इस रिपोर्ट का कहना है, जिनमें मेनली 3 पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 67.2 ईयर्स से बढ़कर 67.7 ईयर्स हुई है, और वही एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये 12.6 ईयर्स पर पहुंच चुकी है, और GNI पर कैपिटा यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये $6,542 से बढ़कर $6,951 हो चुका है, मतलब ये रफली 5,75,000 5,75,000 इंडियन रुपीस के अराउंड होता है। तो यहां सारा कंपैरिजन ये ईयर्स 2022 और 2021 के बीच हो रहा है। अगर ईयर 1990 से कंपेयर करें, जब से ये रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है अभी तक, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में इंडिया ने 9.1 ईयर्स की ग्रोथ, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में 4.6 ईयर्स से, और GNI पर कैपिटा में 287% से इंडिया ने ग्रो किया है। ओवरऑल अगर इंडिया ने जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में भी प्रोग्रेस दिखाई है, जो कि है 0.437, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 108 आती है 166 कंट्रीज में, लेकिन फिर भी इंडिया में जो जेंडर गैप है ये इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब मेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जहां 76.1% का है, वही वुमेन का ये मेयरली 28.3% का है, और इसीलिए इंडिया को और ज्यादा विमेन लेड स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स को रन करने की जरूरत है, ऐसा भी इस रिपोर्ट का कहना है। तो देखिए ऐसा है ये पूरा इशू, और आपको यहाँ पर जितनी टर्म्स यूज की गई है, मतलब जैसे GNI पर कैपिटा, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एटसेट्रा, ये आपकी UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आप हमारी सरल UPSC की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड विद सरल UPSC यूट्यूब चैनल एंड वेबसाइट, क्योंकि ऐसा करने से ही अब UPSC होगा और भी सरल।